हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के ए, बी और सी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, हमें उनको मल्टीप्लाई करना है और उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में शो करके दिखाना है। ए पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज टू 1/5। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब देखिए 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 5 इज टू 1/5। इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 5 5 द 25, 25 प्लस 1 26। देखिए यहाँ पर 26 आया अपॉन में 5, यानी कि आप 5 इज टू 1/5 कहिए या 26/5 कहिए, बात एक ही है। तो पहले तो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ताकि हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, ये आपस में कट नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 26 इंटू 3 करेंगे तो 78 आएगा। 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। अब हमें मिल गया 78/5। और इसको अब हमें किसमें कन्वर्ट करके दिखाना है, इसको हमें कन्वर्ट करके दिखाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम 78 को डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए स्टूडेंट्स, 5 1 द 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 8 यहां से कैरी कर लेंगे। 5 5 द 25, 28 में से 25 माइनस करेंगे, यहां आपको मिलेगा 3। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा होता है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले यहां आता है क्वोशेंट, ये क्वोशेंट है तो ये 15 यहां पर आया। यहां पर न्यूमरेटर में आता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, तो यहां पर 3 रखा। अपॉन में ये डिवाइजर आता है यानी कि ये 5। तो 78/5 को हमने चेंज करके दिखा दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन में हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, 15 इज टू 3/5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों नंबर एक ही हैं। देखिए 5 इंटू 15 करेंगे 75, 75 प्लस 3 78 होता है, यहाँ भी 78 है और अपॉन में 5। तो आप 78/5 कहिए या 15 इज टू 3/5 कहिए, बात एक ही है। लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में शो करने के लिए कहा गया था, इसलिए हमने इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में शो किया है, यानी कि 15 इज टू 3/5। अब हम बी पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बी पार्ट में हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज टू 3/4। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करके यानी शो करके दिखाना है। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज टू 3/4। अब ये 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे, 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 3 करेंगे, देखिए 27 आया न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या है 4। अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये 5 और ये 4 आपस में कट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। याद रखिएगा 5 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, जब कोई नंबर नीचे नहीं होता मतलब 1 होता है। तो 5 इंटू 27 करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 135, और 1 इंटू 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। अब ये हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इस 135 को हम डिवाइड करेंगे अब यहां पर 4 से। देखिए 135 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 3 द 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे आपको मिलेगा ये 1, यहां से 5 हमने कैरी कर लिया तो ये बन गया 15। अब 4 3 द 12, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया, अब हम इस नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले ये क्वोशेंट आएगा, देखिए ये क्वोशेंट 33 है, यहां पर 33 आया, यहां पर रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है 3, ये 3 आया, अपॉन में ये डिवाइजर आता है यानी के 4। तो 135/4 को ही जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया स्टूडेंट्स 33 इज टू 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन का सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज टू 1/4। पहले इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाना है।
तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, 7 × 2:1/4। अब ये देखिए 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 to the 8, 8 + 1 यानी कि 9, और अपॉन में ये 4। अब देखिए ये 7 और 4 आपस में कट तो सकते नहीं है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 7 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 7 × 9, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 9 = 63 आ गया। अपॉन में यहां 1 है, यहां 4, 1 × 4 करेंगे तो 4 आएगा। अब हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें इसको शो करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसके लिए 63 को 4 से डिवाइड करेंगे। 63 / 4, देखिए 4 × 1 = 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 3 यहां से कैरी कर लेंगे। 4 × 5 = 20, अब देखिए 23 में से 20 माइनस करेंगे 3 बचेगा। जैसे ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। सबसे पहले ये क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट 15 है, यहां 15 लिखा, ये रिमाइंडर 3 है, यहां पर ये रिमाइंडर 3 आया, अपॉन में ये डिवाइजर यानी के 4 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है सी पार्ट का, 15 is to 3/4। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।